हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं संक्रमण तत्व, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो टॉपिक है बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का टॉपिक है। अब कंटिन्यू बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 का वीडियो जो है वो अपलोड होगा। तो गाइस, बीएससी सेकंड ईयर के लिए अलग से प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है, वहां पे जा करके आपको सारे नोट्स जो है वो मिलते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि आखिर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो जितना मैंने यहां पे हाईलाइट किया हुआ है, आप देख रहे हो डी ब्लॉक के एलिमेंट, ये सारे जो है वो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व जो है वो कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एस ब्लॉक के एलिमेंट और इधर आप देख रहे हो पी ब्लॉक के एलिमेंट। एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में आप बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बीएससी सेकंड ईयर में आप डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में जो है वो पढ़ोगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट और बी ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में जो एलिमेंट पाया जाता है उसे डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। मतलब देख रहे हो एस ब्लॉक इधर है और पी ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट आपका है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कहलाएगा। ये तो हुआ। अब हम देखते हैं इसका पीरियड्स, मतलब ये जो है वो आवर्त कहलाता है। तो हम देखते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ, मतलब चौथा पांचवा छठवा सातवें आवर्त में ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो पाए जाते हैं। और अगर हम ग्रुप्स की बात करें, वर्ग की बात करें, तो ग्रुप्स में आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक से जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कहलाते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम इसका नोट्स देख लेते हैं कि आखिर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं। फाइनली हम नोट्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स शो हो रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के इंट्रोडक्शन में जो है वो लिखना है, और साथ में हम इसका डेफिनेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि इन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों का मतलब जो है वो सेम होता है। आगे आप लिख सकते हो एस एंड पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में बताया कि एक तरफ एस ब्लॉक के एलिमेंट होते थे और एक तरफ पी ब्लॉक के एलिमेंट होते थे, और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट पाया गया है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कहलाते हैं। इसके बाद आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख सकते हो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1 D1 to 10 NS 0 to 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं अलग से नोट्स बनाऊंगी जिसमें हम सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकालेंगे। तो इंट्रोडक्शन में इतना आप लोगों को लिखना जरूरी है, ये आप लोग थोड़ा सा जो है वो याद कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद इतना होने के बाद हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में देखते हैं कि आखिर ये संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि संक्रमण तत्व वह है जिनके परमाणु, परमाणु मतलब होता है एटम, जिनके परमाणु और आयन में अपूर्ण रूप से भरे डी कक्षा उपस्थित हो। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें आधे भरे, जो मतलब जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो आधे भरे होते हैं, पूरे जो है वो भरे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कहा जाता है। मीन्स डी ब्लॉक के एलिमेंट में जितने भी डी ऑर्बिटल है वो आधे भरे होते हैं, अपूर्ण रूप से जो है वो भरे होते हैं, पूरे नहीं भरे होते हैं। तो इस प्रकार का जो एलिमेंट होता है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट हम कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं फिर से पढ़ के बताती हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट वह है जिनके परमाणु अथवा आयन में अपूर्ण रूप से भरे डी कक्षक जो है वो प्रेजेंट हो। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो डी 1 to 10, मतलब डी में जो है वो या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, इस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रॉन इसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब डी ऑर्बिटल पूरा नहीं भरा होता है, डी ऑर्बिटल जो है वो आधा भरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। उसके बाद हम देखते हैं, लेकिन इस परिभाषा के आधार पर जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व तो नहीं माना जाता है। इसमें कुछ अपवाद भी है, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इस ट्रांजिशन एलिमेंट के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हो इस एग्जाम्पल, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व तो नहीं माना जाता है क्योंकि दोनों में ही डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अब हम लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या पढ़ा था कि जो डी ऑर्बिटल है वो आधे भरे होते हैं, लेकिन ये तत्व ऐसे हैं, ये कुछ एलिमेंट जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है जेडन सी डी एच जी, ये ऐसे एलिमेंट है जिनके डी ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं। तो ये जो है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो है वो एक अपवाद एलिमेंट जो है आप बोल सकते हो। तो या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि मूल अवस्था तथा उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण डी 10 विन्यास है। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें कंप्लीट
जो डी ऑर्बिटल है उसमें कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते हैं। तो ये जो है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इसको हम संक्रमण तत्व तो जो है वो नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी इसे डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर जो है वो रखा जाता है। क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसके जो है वो लास्ट में ये जो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी है वो प्रेजेंट है। मैं आप लोगों को फिर से जो पीरियोडिक टेबल है वहां पे एक बार और दिखा दूंगी कि ये जो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी है वो कहां पे प्रेजेंट है। और एक चीज और गाइस, ये जो क्वेश्चन है वो आपके शॉर्ट टाइप नोट्स, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो है वो काफी बार पूछे जा चुके हैं कि आखिर ये जो जिंक, कैडमियम और एजी है उन्हें संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है। तो आप यहाँ पे इसका जो है वो लिख सकते हो क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो पूरे जो है वो भरे होते हैं, इनकम्प्लीट नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व तो नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इन्हें डी ब्लॉक के अंदर जो है वो रखा जाता है। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। अब हम फिर से पीरियोडिक टेबल में जा करके इन एलिमेंट को जो है वो देख लेते हैं। ये जो आपका यूनिट वन है उसमें आपको पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में ही जो है वो पढ़ना होगा, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। तो ये टोटल आपके इतने ही डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जिसके बारे में आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में जो है वो पढ़ाई करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, तो ये सारे जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब हम देखते हैं इन एलिमेंट को जो है वो फोर सीरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है, मतलब चार श्रेणियों में जो है वो बांटा गया है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये वाला जो आपका यूनिट वन है उसमें केवल आपको सीरीज वन को जो है वो पढ़ना पड़ेगा, मतलब पहला श्रेणी को जो है वो आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से उन चार सीरीज में जो है वो बांटा गया है। तो सबसे पहला है प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। तो ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो आपका ये वाला है, यहाँ देख रहे हो आप, ये सारे जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। सारे सीरीज के बारे में आगे डिटेल में है, बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन केवल हम यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो केवल हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या एलिमेंट जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत जो है वो आते हैं। उसके बाद है दूसरा, द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी, मतलब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और 4D सीरीज। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आपका ये वाला आता है, जो सेकेंड रो आपको शो हो रहा है जितने एलिमेंट है वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तीसरा है तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी, मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 5D सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आप लोग देख रहे हो ये थर्ड नंबर का जो रो है वो जो है वो आएगा। उसके बाद आपका लास्ट आता है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और 6D सीरीज, मतलब फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में आपका सबसे नीचे वाला आता है। तो फर्स्ट यूनिट में, मतलब ये जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है उसमें आप लोगों को केवल ऊपर वाले जो एलिमेंट आप लोगों को जो शो हो रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, केवल उन्हीं के बारे में जो है वो पढ़ना है। और आपके इसके बाद जो यूनिट टू स्टार्ट होगा, यूनिट टू में आप लोगों को सेकेंड, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट सीरीज के बारे में जो है वो आप लोगों को पढ़ना है। तो ये हुआ गाइस, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा बनने वाला है डी ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर, मतलब ये जो आप लोगों को फर्स्ट सीरीज जो है वो शो हो रहा है यहाँ से स्कैंडियम से, जो आप लोगों को फर्स्ट सीरीज जो है वो शो हो रहा है उनके बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये जो आज का वीडियो था केवल आप लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में मुझे बताना था कि एक्चुअल में ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, और आज ही ये वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।